जफर साहब वो जिससे वे रोड बयान कर दो उससे है जफर साहब बिस्मिल्लाह करो और मैं शुरू किया है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 2 मई 2023 को एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जेडी बैंक और पेंशनर्स की तरफ से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लिस्ट सबमिट करनी थी। हमने तो अपनी लिस्ट मरतब करके अदालत को पेश कर दी, लेकिन बैंक ने क्योंकि बीच में 3-4 छुट्टियाँ थी तो उन्होंने 2 हफ्तों की एडजर्नमेंट मांगी, लेकिन हमारे ऑब्जेक्शन पे कोर्ट ने उनको 10 दिन की एडजर्नमेंट दी, फाइनल एडजर्नमेंट उनको कि आप ये लिस्ट जमा करा दें। और साथ ही बैंक के वकील से अदालत ने ये सवाल किया कि बैंक बेनिफिट्स तो इनको मिलते रहेंगे वो तो कैलकुलेशन के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इनको पेंशन आप दे रहे हैं इस वक्त या नहीं दे रहे हैं, तो उसने लाइलमी का इजहार किया। तो कोर्ट के डायरेक्शन पे उसने ही कोर्ट से ये कहा कि हम बैंक मैनेजमेंट को इस डायरेक्शन को पास ऑन करेंगे और नेक्स्ट हेयरिंग पे हमारी कोशिश होगी कि बैंक की तरफ से इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो पेंशन मंथली मिलनी थी उसके मुताबिक वो अपना फैसला जमा कराएंगे। और साथ ही उन्होंने 1 लाख रुपए फाइन कोर्ट में जमा करा दिए और ये उनकी उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि दे आर फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज। तो टिल द डिसीजन ऑफ देयर अपील ये 1 लाख रुपए बैंक के पास ये महफूज पड़ा रहेगा। बहरहाल हमने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया तो कोर्ट ने हमें तसल्ली दी कि हमें आपकी मिजरीज का आपकी परेशानियों का बखूबी इलम है और यही वजह है कि मैं उनको 2 हफ्तों का टाइम नहीं दे रहे, 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के बाद